दिव्यांग की आंख से समाज को रोशनी। मृत्यु से पूर्व अक्षत देसाई कर चुका था नेत्रदान। झरिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी नरेश देसाई के पुत्र अक्षत देसाई की आंख से समाज को रोशनी मिलेगी। अक्षत ने मृत्यु से पूर्व नेत्रदान की घोषणा कर रखी थी। शुक्रवार की सुबह जब उसका निधन हो गया तो पिता नरेश देसाई ने चिकित्सकों को इसकी सूचना दी। फिर चिकित्सकों की टीम ने आकर आंख निकाली। अक्षत देसाई विकलांग व मस्कुलर डिस्टेंस बीमारी से था। अक्षत के पिता नरेश देसाई व पिता देवयानी देसाई ने बताया कि सुबह उनके पुत्र का निधन हो गया। उसके बाद आई बैंक धनबाद को सूचना दी गई। दृष्टि आई बैंक PMCS धनबाद की 5 सदस्यीय टीम आने पर उसकी आंखों को दान कर दिया। टीम का नेतृत्व संजय कुमार ने किया, जबकि टीम में नंदकिशोर चौधरी, रमेश प्रसाद व अन्य छात्राएं थी। मां ने बताया कि उसके बेटे ने समाज को एक नया संदेश और प्रेरणा दिया है। इस संबंध में दृष्टि आई बैंक PMCS धनबाद के डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि झरिया से आंख दान करने की सूचना पाकर 5 सदस्यीय टीम पहुंची। अक्षत के शरीर से आंखें सफलतापूर्वक निकाली गई है, आंखें सुरक्षित है। कॉर्निया की स्थिति क्या है इसकी जांच की जाएगी। झरिया से स्टार सिटी 24 के लिए गोविंद खेत्रपाल की रिपोर्ट। अक्षत की बहुत पहले से ही इच्छा थी, हमेशा पूछते रहता था मुझे डोनेट करना है, तो जैसा आई साइट मेरी किसी को जाएगी तो उसको भी यूजफुल होगा, उसका भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। उनकी सोच पहले से थी? हाँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है कि उसकी इच्छा जो थी वो पूरी हुई है। क्या नाम है आपका? अक्षत देसाई। बेटे का? आपका? मेरा देवयानी देसाई। PMCS से आए हुए हैं और आई बैंक दृष्टि आई बैंक PMCS धनबाद, मैं ऑप्थल्मिक ऑफिसर हूँ PMCS में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। आपके टीम में कितने लोग हैं सर? हमारे टीम में हमारे 5-6 लोग हैं। सभी लोगों का नाम बता देते। एक रमेश प्रसाद हैं, उसके बाद नंदकिशोर सिंह चौधरी, और हमारे तीन स्टूडेंट में अभिजीत, अभिषेका और दीप्ति। सर क्या क्या सूचना प्राप्त है? सूचना प्राप्त हुई थी कि झरिया में कोई रोटेरियन है, उनके लड़के का डेथ हो गया है, तो ऐसा ऐसा टीम को भेजने के लिए हम लोग सूचना मिलते ही साथ हम लोग वहाँ से जो भी हमारे टीम को अपडेट करना था वो करके फिर वहाँ से हम लोग कुछ कर गए। तो ये सक्सेसफुल रहा? हाँ ये सक्सेसफुल रहा। आँख पूरी तरह सुरक्षित है? जी अभी सुरक्षित है। आँख इसके बाद यहाँ से हम लोग ले जा करके कुछ प्रोसेस है जो चेक करने का आँख का, वो चेक करेंगे हम लोग की कॉर्निया की स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग रेसिपिएंट को कॉल करेंगे जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी पहले से जी, वो लोग को कॉल करके उन लोग को बुला के फिर उसका जांच करके उन लोग को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सर अपना परिचय दे दें। मैं ऑप्थल्मिक ऑफिसर हूँ, आई डिपार्टमेंट, SNMCH। नाम सर? संजय कुमार।